शासकीय महाविद्यालय लामता के छात्र छात्राओं द्वारा दो सूत्री मांगों को लेकर कर रहे धरना प्रदर्शन को पूर्व विधायक मधु भगत ने उच्च अधिकारियों से छात्र छात्राओं की समस्या से अवगत करवाया। इसमें उच्च अधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति 7 दिवस के अंदर देने का आश्वासन दिया। पीजी कॉलेज के प्राचार्य सिरसाटे शिक्षा विभाग के आयुक्त से दूरभाष में छात्र छात्राओं की समस्या अवगत करवाई। समस्त उच्च अधिकारियों ने छात्रवृत्ति व परीक्षा केंद्र की समस्या का निराकरण शीघ्र ही किए जाने का आश्वासन दिया है। मधु भगत द्वारा परीक्षा शुल्क की तारीख बढ़ाने की मांग भी की गई थी। माननीय मधु भगत ने बताया कि शासकीय महाविद्यालय लामता के ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं के 2 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण धरना प्रदर्शन किए जाने की सूचना मिलते ही वे शासकीय महाविद्यालय लामता पहुंचकर समस्त छात्र छात्राओं की 2 सूत्री मांग से रूबरू होकर उच्च अधिकारियों से छात्र छात्राओं की समस्या को अवगत करवाते हुए का निराकरण अतिशीघ्र करने को बोला गया। इस पर शिक्षा विभाग के आयुक्त ने छात्र छात्राओं की दोनों मांगों को उचित ठहराते हुए अतिशीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इस उपरांत छात्र छात्राओं ने नारे लगाकर मधु भगत नायब तहसीलदार संदीप नागो से वीरेंद्र धाकर उप थाना निरीक्षक लामता एवं महाविद्यालय के समस्त स्टाफ के समक्ष धरना प्रदर्शन स्थगित किया। नायब तहसीलदार संदीप नागो से ने बताया शासकीय महाविद्यालय लामता के ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं द्वारा 2 वर्षों से नहीं मिली छात्रवृत्ति व परीक्षा केंद्र की मांग को लेकर महाविद्यालय में ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार महाविद्यालय लामता पहुंचकर जानकारी के दौरान छात्र छात्राओं ने बताया कि हमारे द्वारा प्रशासन से 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे पूर्व विधायक मधु भगत ने छात्र छात्राओं से अनशन तोड़वाया। मुझे छात्र छात्राओं ने 2 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा था। मेरे द्वारा ज्ञापन को कलेक्टर महोदय बालाघाट को सौंपा गया। संतुष्ट है 7 दिन की मोहलत में, यदि 7 दिन के अंदर पे नहीं डलती है तो उग्र आंदोलन हम लोग के द्वारा किया जाएगा। 7 दिनों के बाद क्या किया जाएगा सर? 7 दिनों के बाद आज हम लोग ने महाविद्यालय पे तालाबंदी की है, हो सके तो हम लोग रोड पे चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। ये हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन फिर यदि 7 दिनों तक प्रशासन की मंशा यदि 7 दिनों में नहीं पूरी होगी तो हम लोग करेंगे 7 दिनों के बाद उग्र आंदोलन। था इनको 2 साल से ओबीसी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। दूसरा, इनका कॉलेज का सेंटर जो अभी गर्मी का समय है 25 किलोमीटर दूर था। ये चाहते हैं कि इनको सबसे बड़ी समस्या इनकी दूर हो कि इनको पहले सबसे पहले छात्रवृत्ति दें। दूसरी समस्या इनकी आगे कॉलेज के सेंटर की, और तीसरी इनकी समस्या थी कि फीस की डेट 10 तारीख तक जिसको बढ़ाया जाए ताकि ओबीसी की जो या अन्य छात्रवृत्ति जो है वो आए, उस छात्रवृत्ति से बच्चे फीस पेड करें ताकि वो एग्जाम दे सके। छात्रों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें छात्रों को 2 वर्षों से छात्रवृत्ति न मिलने तथा परीक्षा सेंटर यहाँ पर किए जाने की मांग की गई। इस पर आपके द्वारा समाधान के लिए क्या किया गया है? मेरे द्वारा इस संबंध में उच्च अधिकारी से चर्चा की गई है। उन्होंने उन पर मुझे जानकारी दी है कि लगभग 1 सप्ताह के भीतर छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति का पैसा लग जाएगा। दूसरी मांग इनकी परीक्षा केंद्र बनाने का था जी, उसका टिप्पणी सर। ये मांग आज मेरे संज्ञान में आई है। इस संबंध में मैं जो प्राचार्य महोदय है यहाँ की उनसे चर्चा करके जो भी रिक्वायरमेंट होती है और नियम के अनुसार जो भी संभव हो सकता है यहाँ परीक्षा सेंटर बनाए जाने के लिए। हम जिस दिन बच्चों ने यहाँ हड़ताल धरना प्रदर्शन किया था उसी दिन हमने उच्च अधिकारियों से बात किया और यहाँ से जो है हमने बहुत पहले ही भेज दिया था छात्रवृत्ति का जो रुका हुआ था, वहीं आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से ही मतलब पेंडिंग था उनका, और वहाँ से ये सुनने में आया कि हमारा बजट खत्म हो गया है, नेक्स्ट सेशन में होगा, इसीलिए फिर बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया। तो हमने यहाँ से जिस दिन बच्चों ने हमें ज्ञापन दिया था हमने तत्काल यहाँ के जो तहसीलदार महोदय हैं उनसे मिल करके यहाँ से तत्काल जानकारी यहाँ के लीड प्राचार्य को हमने भेज दिया कि बच्चों ने छात्रवृत्ति को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, तो यही आश्वासन मिला कि 6-7 दिन में ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी करके हमें मतलब आश्वासन मिला है।